नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। भोजपुरी फिल्म गुंडा को लेकर हार्ट केक अंजना सिंह और अभिनेता विनोद यादव ने किया बड़ा खुलासा। भोजपुरी सिनेमा की हार्ट केक अंजना सिंह और डेब्यूटेंट अभिनेता विनोद यादव को फिल्म गुंडा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें इन दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की जा रही है। दोनों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं, जिसे इकबाल बख्श ने निर्देशित किया है। वहीं अपनी फिल्म को लेकर विनोद यादव भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और इसी एक्साइटमेंट में उन्होंने फिल्म गुंडा के सेट का अनुभव शेयर करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सेट पर अनुभवी अदाकारा अंजना सिंह से उनकी कई बार लड़ाई हो जाती थी, इस बात को अंजना ने भी स्वीकार किया है। विनोद यादव ने कहा कि बतौर अभिनेता ये मेरी पहली फिल्म थी जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेट पर शुरू के दिनों में नर्वस का शिकार भी था, फिर भी हमारी लड़ाई अंजना सिंह से हो जाती थी। हालांकि वे बुरा नहीं मानती थी, बल्कि मेरी गलतियों पर ही हमारा झगड़ा होता था, फिर वे मुझसे दूसरी चीज़ों को लेकर बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उन्होंने कहा कि अंजना सिंह एक बेहतरीन अदाकारा हैं, उनके साथ काम करके मुझे खूब मज़ा आया, साथ ही फिल्म की कास्टिंग भी बेहतरीन है। विनोद यादव ने बताया कि फिल्म की सेट पर मुझे कई गलतियाँ हुई, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी गलतियों से मुंह नहीं मोड़ा और इन गलतियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस वजह से मेरा अभिनय में निखार आया और जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। फिल्म गुंडा के बारे में उन्होंने कहा कि फिल्म बेहद अच्छी बनी है, जो ट्रेलर देखकर सबको पता चल ही जाएगा। मेरी भूमिका इस फिल्म में बेहद चैलेंजिंग रही, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की। यह फिल्म मेरी ज़िंदगी में यू टर्न जैसा है। मैं सिकंदर खान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में चांस दिया। भले ही फिल्म का नाम गुंडा है, लेकिन इसकी पटकथा बेहद मजबूत और रोमांचक है, जो दर्शकों को बोर नहीं करेगी। विनोद यादव ने भोजपुरी के दर्शकों से फिल्म गुंडा देखने की अपील करते हुए कहा कि जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तब आप पूरे परिवार के साथ जाकर फिल्म देखें। हमारी फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है, उम्मीद है यह फिल्म सबको पसंद आएगी। था कि कमियां अगले क्यों निकाल रही है, तो मैं कमियों को पूरी 100% कोनी को दी हिम्मत, और हिम्मत जो देते थे सिकंदर सर कि डरने कोई जरूरत नहीं है बोलते थे, लेकिन मैं सारा मेरा प्रोजेक्ट ना खराब हो तो एक नेगेटिव का अगर ध्यान दिया जाए, कभी गलतियां भी सुधारने का मौका भी कोई सामने देता है और कोई अगर हिम्मत देता है तो दोनों का श्रेय जाता है, मेरे प्रोड्यूसर सिकंदर खान सर को और अंजना सिंह को। मैं दोनों को सपोर्ट बोलूंगा कि आज ये फिल्म देखने का मैं खुद महसूस किया कि शायद अगला मेरे को टोकता नहीं, मेरी गलतियों पर रोकता नहीं, तो मैं अपने आप को अच्छा सुधार नहीं सकता था। नहीं, मैं सिकंदर सर को सबसे अधिक श्रेय इसलिए दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जो समझ के जो उन्होंने जजमेंट किया था कि विनोद इस फिल्म में हीरो फिट बैठेगा, उस जजमेंट को 100% देता हूं और उनके जजमेंट के हिसाब से मैंने जो काम किया है वो भी अच्छा किया और सर को मैं देता हूं धन्यवाद भी बोलूंगा और मैं श्रेय भी दूंगा कि मुझे अगर आज इंडस्ट्री में एक हीरो बना करके, एक मैंने पहले मैं मीडिया में बोला कि एक पिता मेरे थे जो अभी दुनिया में नहीं, मुझे पैदा किए थे, और दूसरे पिता अगर इंडस्ट्री के रूप में मैं कहूँगा तो सिकंदर खान सर को कहूँगा जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मोड़ देकर के यू टर्न पॉइंट पे खड़ा करके हीरो बना के प्रेजेंट किया है, वो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, ना इसका मैं कोई काट है, ना मैं इसको कभी ये एहसान जिसे कहते हैं मैं जीवन में कभी इसको मिटा सकता ना भूल सकता। आगे भी कोई फिल्म और करने वाले? हाँ, हम लोग हमारी अगली फिल्म है और जो आज ही अलाउंस हुआ, मेरे प्रोड्यूसर सिकंदर खान सर ने बोला कि हम लोग गुंडा पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसका अक्टूबर या नवंबर में शूट करेंगे, जिसमें हमारे इस फिल्म में 3 हीरो हैं, सिकंदर खान, राजपाल यादव और विनोद यादव। और सबसे ज्यादा आपको सहयोग किससे मिला जो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे? सपोर्ट इंडस्ट्री में सभी ने सपोर्ट किया, कैमरामैन डैड, लेकिन अगर मैं एक फैमिली जो मेरे को, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि जिस समय मैं पिक्चर शूट करता, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी, और उस समय मैं उसको छोड़ के बोली कि आप जाइए शूट कीजिए, मुझे चिंता मत करिए, मैं हॉस्पिटल में दिखा लूंगी, और एक 6 महीने का बेटा आहान है और मैं उसको बहुत, मैं लकी हूँ कि मेरा ऐसा बेटा मिला कि आते मुझे हीरो बना दिया, तो मैं बहुत बड़ा श्रेय उसको दूंगा कि आते एक मेरा जो एक लाइफ चेंज कर दिया, तो मेरी वाइफ और मेरे बेटे का एक जिसे लक कहते हैं ना, तो लक में अगर नाम लिया जाए तो इन दोनों लोग का। तो
जाते जाते और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भोजपुरी दर्शक से बोलूंगा, इस देश प्रदेश विश्व में जितने भोजपुरी दर्शक से निवेदन करूंगा, इस गुंडा फिल्म को आप सभी लोग देखिए और अधिक से अधिक इसको अपने अगले महीने रिलीज हो रही इस पिक्चर को और जल्द ही रिलीज होने वाली है, थिएटर में जाके देखिए, प्यार दीजिए और आप अच्छा प्यार देंगे और अच्छे रिस्पॉन्स देंगे तो हम लोग अच्छे से अच्छे पिक्चर बनाने की भोजपुरी में और कोशिश करेंगे। अभी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी भोजपुरी थिएटर में रिलीज हो रही है और स्टेप बाय स्टेप फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में फिर ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे, वो प्रोड्यूसर सर अपने हिसाब से शेड्यूल को उसको तैयार किया। ओके धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।